नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है योग गुरु सुनील सिंह और मैं योगा लवर ट्रस्ट का फाउंडर हूं। आज मैं आपको बताऊंगा कि भ्रामरी प्राणायाम कैसे किया जाता है, इसका नाम भ्रामरी प्राणायाम क्यों पड़ा है, वो सारी बातें मैं आपको विधिपूर्वक बताऊंगा। भ्रामरी प्राणायाम हमारे ऋषियों ने ब्लैक बी यानी काली मधुमक्खी से लिया है। वो गुंजन करती है, भंवरा जैसे गुंजन करता है, उस तरह से इस प्राणायाम में हम जब श्वास को बाहर निकालते हैं तो हम गुंजन करते हैं, इसलिए हमारे ऋषियों ने इसका नाम रखा है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम को करने के लिए हम सुखासन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन, वज्रासन में भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। जो लोग इन आसनों में नहीं बैठ पाते हैं वो लोग चाहें तो दीवार का सहारा लेकर भी बैठ सकते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना होगा, दोनों हाथ हमारे ज्ञान मुद्रा में होंगे, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी होगी, हम यौगिक ब्रीदिंग करेंगे 4 से लेकर 5 बार। यौगिक ब्रीदिंग कैसे किया जाता है, उसके लिए आपको क्या करना होता है, लंबा गहरा सांस भरा, पहले अपने लंग्स को भरा, फिर अपने डायफ्राम को भरा, फिर अपने पेट को घड़े नुमा फुलाया। उसके बाद जब हम श्वास छोड़ते हैं, सबसे पहले हमारा लंग्स को हम नीचे करेंगे, फिर धीरे धीरे डायफ्राम, फिर अपने पेट को अंदर की ओर खींचेंगे जब हम श्वास छोड़ते हैं। इसको 4 से 5 बार अभ्यास करने से क्या हो जाता है, आप मानसिक रूप से काफी हद तक वर्तमान में आ जाते हैं। उसके बाद भ्रामरी प्राणायाम को करने के लिए हमें करना क्या होता है, अपने हाथों के अंगूठों से अपने ईयर लॉब्स को हमको बंद कर लेना होता है। तर्जनी यानी इंडेक्स फिंगर हमारे फोरहेड पे रहेगी, मिडिल फिंगर हमारे आईज के नीचे रहेगी, रिंग फिंगर उससे नीचे, और सबसे जो लिटिल फिंगर है वो हमारे मुंह के नीचे रहेगी। और हमने क्या करना है, हमारी जो एल्बोज होंगी वो बिल्कुल स्ट्रेट होंगी, ऐसे झुकी नहीं होंगी, और हम लंबा गहरा नाक से सांस भरेंगे और नाक से ही हम सांस छोड़ेंगे, लेकिन श्वास छोड़ते वक्त हम भंवरे की गुंजन नुमा आवाज करेंगे। इसको मैं आपको 3 से 4 बार करके दिखा देता हूं, जिससे जो कंफ्यूजन हो, आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो कैसे करना है तो वो आप इसको देख लेंगे। तो आइए करते हैं इस प्राणायाम को। ये हमने दोनों हाथ के अंगूठों से अपने एयर लॉक्स को बंद कर लिया, इंडेक्स फिंगर अपने माथे पे रखी, उससे नीचे वाले फिंगर आइज के नीचे, वो और उससे नीचे जो फिंगर उसके नीचे, और सबसे छोटे फिंगर जो है हमारे उसके नीचे, और मैंने लंबा गहरा नाक से सांस भरूंगा, नाक से श्वास छोड़ूंगा, लेकिन भंवरे की गुंजन नुमा श्वास को छोड़ते वक्त आवाज करूंगा। तो आइए इसको करते हैं। तो ये आपने देखा भ्रामरी प्राणायाम। कई बार कुछ लोगों ने हमें मेल्स भेजे हैं कि जब वो इस तरह से अपने हाथ उठाते हैं तो 5 मिनट जब वो अभ्यास करते हैं उनके हाथ थक जाते हैं, तो मैं उनके लिए बहुत अच्छी विधि बता रहा हूँ। आप लोगों ने क्या करना है, इंडेक्स फिंगर से अपने दोनों कान के ईयर लॉब्स को बंद कर लेना है, और इस तरह से भी आप अभ्यास कर सकते हैं। देखिए कैसे करना है। तो ये दूसरी विधि, जो लोग इस तरह से अपने हाथ नहीं कर पाते हैं,
या जिनके हाथ थक जाते हैं वो दूसरी विधि के द्वारा भी इस प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। इस प्राणायाम के अभ्यास से आपको क्या क्या लाभ होंगे वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले जब भी हम इस प्राणायाम को करते हैं, हम मॉर्निंग में खाली पेट या इवनिंग में भी हम कर सकते हैं, इस प्राणायाम को करते वक्त हमें ध्यान रखना है हमारा जो मुंह होगा वो पूर्व की ओर यानी ईस्ट या नॉर्थ की तरफ होना चाहिए। जो लोग लंबी अवधि तक किसी आसन में नहीं बैठ सकते हैं वो दीवार का सहारा लेकर भी बैठ सकते हैं, लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, इस प्राणायाम को आपको लेटकर इसका अभ्यास नहीं करना है। इस प्राणायाम में सावधानी पहले सुन लीजिए, उसके बाद मैं आपको लाभ विधि पूर्वक बताऊंगा। इस प्राणायाम को जिन लोगों को ईयर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है उनको इसका अभ्यास नहीं करना है, या जिनका लो ब्लड प्रेशर रहता है उनको भी इसका बहुत देर तक अभ्यास नहीं करना है, और तीसरा जिनको अवसाद यानी डिप्रेशन रहता है उनको भी इसका अभ्यास नहीं करना है। प्रैक्टिकली आपको क्या करना चाहिए कि योग गुरु के सानिध्य में आपको उसको सीख लेना चाहिए, और जैसा कि मैंने पहले बताया आपको लेट कर इसका अभ्यास नहीं करना है। ये प्राणायाम 8 साल से लेकर 80 साल का कोई भी व्यक्ति इसका अभ्यास कर सकता है। यह निर्दोष प्राणायाम है। इस प्राणायाम से हमें क्या क्या लाभ होंगे? इस प्राणायाम से सबसे पहले जिन लोगों को बात बात में क्रोध आता है उनके लिए बहुत लाभप्रद है, क्योंकि ये गुंजन या वाइब्रेशन हमारे ब्रेन में जो न्यूरॉन्स होते हैं उनमें जब ये कंपन होती है वहां पे ब्लड का सर्कुलेशन फास्टर होता है, तो हमारे मस्तिष्क के लिए बहुत अच्छा है। जिनमें चिड़चिड़ापन रहता है उनके लिए बहुत लाभप्रद है। अनिद्रा, जिनको नींद ना आती हो उनके लिए बहुत लाभप्रद है, और जो स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं अगर वो बचपन से ही इसका अभ्यास कर लेते हैं तो वो आजीवन तनाव मुक्त रहेंगे। इस प्राणायाम को 5 मिनट से लेकर 15 मिनट तक इसका अभ्यास किया जा सकता है, जितना आपके पास समय हो। उसके अलावा ये प्राणायाम हमारे थायराइड एंड पैराथायराइड ग्लैंड को एक्टिवेट करता है, तो जो हमारा मेटाबॉलिज्म होता है वो भी बैलेंस होता है, हमारी बॉडी कैल्शियम को एब्जॉर्ब करती है। जब हम श्वास को नाक से छोड़ते हैं और गुंजन करते हैं तो ये प्राणायाम की जो वाइब्रेशन होती है हमारे 7 चक्रास में वो वाइब्रेशन होती है, परिणाम स्वरूप क्या होता है उन चक्रास की फंक्शनिंग बेटर हो जाती है, जिसको मेडिकल साइंस एंडोक्राइन सिस्टम कहती है। हमारे हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है, बिकॉज हमारी जो ब्लड प्रेशर होता है वो नॉर्मल हो जाता है, हमारी हार्ट बीट स्लो हो जाती है। हमारे लंग्स के लिए बहुत लाभप्रद होता है, विशेषकर महिलाओं के लिए बहुत लाभप्रद होता है। उसका कारण क्या होता है कि महिलाएं छोटी छोटी बातों में तनाव ले लेती हैं, तो यदि वो उसका निरंतर अभ्यास करती हैं तो वो देखेंगे उनको बहुत लाभ होगा। विद्यार्थी जो पढ़ लिख लेते हैं और वो उनको याद नहीं रहता है, यदि वो इसका अभ्यास करते हैं तो देखेंगे धीरे धीरे उनको उनकी याददाश्त जो है वो मजबूत स्ट्रांग हो जाएगी। उसके अलावा जो लोग सिंगर बनना चाहते हैं उनके लिए बहुत लाभप्रद है। और कई बार आपने देखा है कि बच्चों को स्टेज पे जब वो जाते हैं तो उनको अननोन एक फियर होता है, यदि वो इसका अभ्यास करते हैं वो भी दूर हो जाएगा। ये अकेले प्राणायाम के इतने सारे लाभ हैं, और यदि आप इसको निरंतर करते हैं तो आप देखेंगे कि आप मानसिक और शारीरिक रूप से बहुत मजबूत और सबल हो जाएंगे। धन्यवाद। नमस्कार।